बच्चों, आज का प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं यहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीही समास। प्रधानता पर सवाल किया था कि द्वंद्व समास में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और द्विगु किसका है? द्विगु तत्पुरुष का ही भेद है, तो इसका दूसरा पद प्रधान होता है, पुरुष का भी दूसरा पद प्रधान होता है, और आंसर यहाँ पर तो बच गया। तो वो प्रश्न क्या पूछ रहा है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीही, क्योंकि बहुव्रीही समास में ही तीसरे पद की प्रधानता होती है। क्या होती है? तीसरे पद की प्रधानता होती है, जैसे गजानन, ठीक है, तो गजानन में क्या है? गज मतलब हाथी, आनन का मतलब क्या होता है? मुख, लेकिन गजानन का अर्थ ना तो हाथी है ना मुख है, गजानन का अर्थ तो गणेश होता है, तो इसका कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है, कोई तीसरा पद प्रधान है, इसलिए इसमें बहुव्रीही समास होगा। ओके,